बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले एज ए पाकिस्तानी हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एस ओ पीज गवर्नमेंट और इदारों की तरफ से आ रहे हैं, पुलिस की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें फॉलो करें। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? हम लोगों के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज़ अगर हम लोग जिन ज़रूरत के बग़ैर बाहर निकलेंगे तो जिसके लिए हम लॉकडाउन में ईज़ लेके आ रहे हैं, वो कि वो डेली वेजर है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसको हम फिर ख़तरे में डालेंगे। क्यों? अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, केसेस बढ़ेंगे मुल्क में, फिर जिस तरह अभी लॉकडाउन हुआ है, फिर हमें लगाना पड़ेगा। प्लीज़, हमारी बेहतियाती हम लोगों को उन लोगों से जो हमारा डेली वेजर है उनके लिए बहुत ख़तरे का बायस है। तो जो भी हिदायत एस ओ पी से आ रही हैं, पुलिस से आ रही हैं, प्लीज़ उसको जो है ना स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और जहाँ तक हमने इदारे की बात की पुलिस, देखिए एज ए पाकिस्तानी मुझे अपने हर इदारे पे फेथ है, चाहे वो कोई भी है। और जिस सेम उसमें एक पुलिस हमारा इदारा है, पुलिस के जो बेसिक रूल्स हैं, आई थिंक वो हम सबको पता है कि हमारे लिए हैं, आवाम के लिए हैं, ये लोग हमारी हेल्प के लिए हैं। हमारा भी काम बनता है इन पर ट्रस्ट करें, इनकी जो है ना रिस्पेक्ट करें। और जो इमेज एक क्रिएट है, जो कि समटाइम जो है ना काफ़ी एग्जैजरेट कर दी जाती है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं और जिस तरह अब थिंग्स आर चेंजिंग बाय द टाइम और हम देख रहे हैं कि चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो जो चीज़ पॉजिटिव है हमें चाहिए कि हम उसकी तारीफ भी करें। और आई विश देम ऑल द बेस्ट। और हम एज ए पाकिस्तानी हमारा फेथ हर इदारे के साथ है, हमारा फेथ अपनी पुलिस के साथ है। और हम सबको चाहिए कि जो एस ओ पीज हमें, जो गाइडलाइंस पुलिस की तरफ से आएँ, जो हमारे ऑफिसर्स बताएं, हम उनका हर लम्हे साथ दें, उनकी हेल्प करें ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें फ्यूचर में। थैंक यू।